हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या में। आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है सूरीनाम, उसमें नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो एक भारतीय है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है चैन संतोषी। उनका पूरा नाम है, उन्हें चंद्रिका प्रसाद संतोषी भी कहते हैं। यहाँ पर बात हुई है सूरीनाम के देश की, तो सूरीनाम देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह एक गणराज्य है। यह कब आज़ाद हुआ था? तो 25 नवंबर 1975 को आज़ाद हुआ था। इसकी राजधानी है पारामारिबो, और इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर, मुद्रा कोड है SRD और भाषा है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है? तो हाल ही में न्यूज़ आई है कि अभी भारत में पहला केवल रेल पुल बनाया जाएगा, और उसका नाम क्या है? अंजी खाद पुल। तो ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो उसके बारे में जान लेते हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1954 को हुई थी और अस्थापना 2019 को हुई थी, और इसकी राजधानी दो हैं। एक तो है समर कैपिटल श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में 17 जुलाई को मनाया गया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इस डे को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे और इंटरनेशनल जस्टिस डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान ले देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के लिए बढ़ावा देना, कि अगर कोई भी इंसान पीड़ित है या फिर उस पर कोई जुल्म हुआ है तो उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये नहीं करना है कि कोई अगर गरीब इंसान है तो उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए, और कोई अमीर इंसान है तो फिर भी उसे न्याय मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो इस बार की थीम क्या रही है? थीम के बारे में जान लेते हैं। तो थीम है क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि हमें जो इनइक्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर जो बराबर हक मिलना चाहिए, कि हमें क्या करना है, यहाँ एक दूसरे की किसी की कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि रिच को हमें इंसाफ दिलाना है और गरीबों को नहीं दिलाना है। तो हमें जो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पर फैली हुई हैं उन्हें क्लोज कर देना है, जिससे कि सोशल जस्टिस हमें मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो वो किया है इसराइल के साथ। इसराइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसराइल की राजधानी है यरूशलम, और इसके राष्ट्रपति का नाम है रेवेन रिवलिंग, और मुख्यमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और मुद्रा है इजरायली सेकेल, और मुद्रा कोड है ILS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकरा ने भारत की GDP में 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 9.5%। क्यों लगाया है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था है वो गिरती जा रही है। इस वजह से डे बाई डे जो भी अनुमान लगा रहे हैं GDP के लिए वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर इकरा की बात हुई है, तो इकरा क्या है? तो इकरा एक इसकी फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है गुड़गांव में, और यह एक क्रेडिट एजेंसी है। पहले क्या इकरा ने क्या किया था? पहले इसके बारे में 5वीं सदी रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद कंडीशन देखते हुए उसने 9.5% अनुमान रहने अनुमान लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निष्ठा योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम किसने जारी किया है? जो निष्ठा योजना है उसका पहला कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वो किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। और ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं।
अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, जो निष्ठा पहल है वो क्या है। तो ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इसकी निष्ठा की फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, पहले तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। इसमें क्या होगा, इस योजना के तहत 82 लाख शिक्षकों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, टीचर्स के डेवलपमेंट के, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, उनके बारे में बात की जाएगी और उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। तो हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ फैली हुई है कि क्या हो रहा है, ट्विटर अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनके ट्विटर अकाउंट हैक हुए हैं। एक तो है एलन मस्क, वो कौन है, वो टेस्ला के सीईओ हैं, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम है बराक ओबामा, और अमेजन के सीईओ जेफ बेसोक, और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर हैं बिल गेट्स। इन चारों का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। अब ये किसने किया है, इन सब पर चर्चा चल रही है और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्नेहा शीश गांगुली जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये बंगाल क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव हैं, और ये जो स्नेहा सिंह गांगुली हैं ये सौरभ गांगुली के भाई हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन देशों में एयरलाइंस उड़ाने की उड़ान शुरू हो गई हैं। जो हाल ही में एयरलाइंस की उड़ानें हैं वो किस देश में शुरू कर दी गई हैं, तो वो शुरू कर दी गई हैं अमेरिका और फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी की कोरोना से मौत हो गई है। तो वो हो गई है रमेश टीका राम की, और ये एक अर्जुन पुरस्कार विजेता भी थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।